चंद घंटे में खत्म हो जाएगा देश का इंतजार। सुबह 10:30 बजे प्रधानमंत्री मोदी करेंगे टीकाकरण अभियान की शुरुआत। दुनिया में अब तक का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वैक्सीनेशन की शुरुआत करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। वैक्सीन लेने वाले लोगों से करेंगे वर्चुअल संवाद। पहले दिन देश भर में करीब 3 लाख लोगों को दी जाएगी वैक्सीन। बनाए गए हैं 3000 सेंटर्स। हर सेंटर पर मौजूद होंगे करीब 100 लोग। पहले दिन महाराष्ट्र में 51,000 से ज्यादा लोगों को लगाया जाएगा टीका। यूपी में करीब 30,000 लोगों ने कराया रजिस्ट्रेशन। दिल्ली में बनाए गए 81 सेंटर्स। पहले दिन हर सेंटर पर 100 लोगों को दी जानी वैक्सीन। दिल्ली एम्स और एलएनजेपी अस्पताल में होगा मुख्य कार्यक्रम। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन रहेंगे मौजूद। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 2 अस्पतालों में टीकाकरण अभियान में करेंगे शिरकत। दोपहर 12 बजे जाएंगे एलएनजेपी अस्पताल। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन भी रहेंगे साथ में मौजूद। मुंबई में टीकाकरण के लिए 9 केंद्रों पर बनाए गए हैं 40 बूथ। सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक जारी रहेगा वैक्सीनेशन का कार्यक्रम। लखनऊ में आज किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में होगी टीकाकरण अभियान की शुरुआत। यहां पर लाभार्थियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे वर्चुअल संवाद। भोपाल में 12 अस्पतालों में आज होगा टीकाकरण अभियान। सिंगरौली में मौजूद रहेंगे खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। 52वें दिन भी जारी है किसानों का आंदोलन। लगातार बढ़ रही है आंदोलनकारियों की संख्या। सिंगू बॉर्डर पर भेजे गए हैं आग बुझाने वाले सिलेंडर। आग लगने के खतरे से मिलेगी राहत। टिकरी बॉर्डर पर भी जारी है किसानों का आंदोलन। शर्ट उतारकर विरोध प्रदर्शन कर रहे आंदोलनकारी। रायपुर में राजभवन के पास कांग्रेस ने किया ट्रैक्टर मार्च। कृषि कानून का किया विरोध। देहरादून में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कृषि कानून के खिलाफ किया राजभवन का घेराव। शुरू हुआ राम मंदिर निर्माण के लिए चंदा जुटाने का काम। देश भर में 13 करोड़ परिवारों से जुड़ने का है लक्ष्य। वाराणसी में काशी विश्वनाथ के दर्शन पूजन के साथ ही शुरू हुआ मंदिर के लिए चंदा जुटाने का काम। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए पैसा जुटाने में जुटी वीएचपी। वाराणसी में कूपन और रसीदों के साथ घर घर चंदा जुटाने निकले वीएचपी कार्यकर्ता। लखनऊ में सीएम ने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए दिया 2 लाख का दान। मुंबई में बोली साध्वी रितंबरा, राम मंदिर निर्माण कार्य से ज्यादा लोगों को जुड़ना लक्ष्य। शताब्दी रॉय के बाद अब टीएमसी सांसद प्रसून बैनर्जी ने पार्टी से जताई नाराजगी। कहा पार्टी में होने वाले फैसलों की नहीं दी जाती कोई जानकारी। अपनी नाराजगी जताने के साथ ही टीएमसी सांसद प्रसून बैनर्जी ने ये बात भी कही, बीजेपी नेता सौमित्र खान से नहीं हुई है कोई भी बात, ना ही ज्वाइन कर रहा हूं बीजेपी। बागियों से परेशान सीएम ममता बैनर्जी को अधीर रंजन चौधरी ने दिया विलय का न्योता। कहा तृणमूल भंग कर कांग्रेस में हो जाए शामिल। बंगाल के सियासी हालात पर दिल्ली में हलचल तेज। अमित शाह के साथ सूबे के बीजेपी नेताओं की बैठक। हावड़ा के पांचला में फिर भड़की सियासी हिंसा। टीएमसी बीजेपी कार्यकर्ताओं में झड़प 7 बीजेपी कार्यकर्ता घायल। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक। और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।